हेलो दोस्तों, आज जो बताने वाले हैं आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स के लिए कौन सा बुक सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप मेरा पिछले वाला केमिस्ट्री वाला वीडियो नहीं देखो तो वो जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बताया भी है। तो आइए सीधे वीडियो पे चलते हैं दोस्तों। फिजिक्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। एनसीईआरटी जो है बेसिक है, एनसीईआरटी तो आपको करना ही करना है। और बुक को ज़रूरत उन बच्चों को ज़्यादा होता है जो मान लो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। नहीं तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, चाहे एलएन या फिर जी इन सब में पढ़ते हो, तो आप अपने टीचर्स के सुनो वो आपको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज होता है और वो आप लोगों को अच्छे से बता पाएंगे जो किन किन बुक को कवर करो, या वो लोग जो स्टडी मटेरियल देते हैं तो उनको देखो, ना कि बुक के पीछे आप भागो। बुक के पीछे तब भागो जब आपके पास टीचर्स अच्छे नहीं हैं, अदरवाइज वो लोग उतने अच्छे से कवर करवा देते हैं जो आपको ज़रूरत हो। यार इतने पैसे लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो वो लोग अच्छे से अच्छे चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे, अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए बुक की बात करते हैं, कौन कौन से बुक की ज़रूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको बुक करना है वो है एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी तो करना ही करना है। उसके बाद एनसीईआरटी के बाद कोई भी बुक करने से पहले सबसे पहले आप एच सी वर्मा कीजिएगा, क्योंकि एच सी वर्मा अगर आप बहुत ही अच्छे से कर लेते हो ना तो वो बहुत ही अच्छा होगा कंसेप्चुअल वाइज हर कुछ में। एनसीईआरटी और एच सी वर्मा किसी भी बुक को करने से पहले उस दोनों बुक को करिएगा। उसके बाद जैसे डीसी पांडे का 5 वॉल्यूम में जो आते हैं, डीसी पांडे का बुक कर सकते हो, अच्छा बुक है। उसके बाद मॉडर्न एबीसी करके एक बुक आते हैं फिजिक्स के, वो भी ठीक ठाक बुक है। देखिए डिपेंड आप पे करते हैं जो आप कौन कौन से बुक को चूज कर रहे थे। उसके बाद अगर आप हायर लेवल की बात करो तो आई रोडो कर सकते हो, उसमें बहुत हायर लेवल के अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कोई एक बी एम शर्मा का आता है, उसके बाद अगर बात करें तो प्रदीप के आते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है जो कौन कौन से बुक आपको करना है। अच्छा दोस्तों, मेरे विचार से आप लोग क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा जो मैं बता रहा हूँ वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर एक आदमी का दिमाग अलग अलग होता है, वो अलग अलग चूज कर सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है जो आपको क्या करना है। बट जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे मैं बार बार कहता हूँ 1000 बुक खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको 1 या 2 3 बुक के कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं ना तो वही बेटर है। सबसे मेरा पहला चॉइस है वो एच सी वर्मा, उसके बाद एनसीईआरटी, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो उससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको स्टडी मटेरियल देंगे या क्लास नोट्स देंगे या वो टीचर जो आपको प्रेफर करेंगे, अगर आप किसी अच्छे टीचर्स के या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हो या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तब की मैं बात कह रहा हूँ, उस तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी तो करना ही करना है, एच सी वर्मा, उसके बाद डीसी पांडे, और उसके बाद एक 40 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक करके बुक आते हैं, वो आपको करना ही करना है। अगर आप वो करते हो तो बहुत ही बेटर है। और एक बुक मैं कहना भूल गया था, जैसे रेसिंग की एलिडे एंड वॉल्कर के बुक आते हैं जिसमें अच्छे कॉन्सेप्ट है, वो वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा उस बुक में है जो आप कर सकते हो। तो आपको करना क्या क्या है, फाइनली जो आपको करना क्या क्या है, एनसीईआरटी, एच सी वर्मा, अगर आपके पास टाइम है तो डीसी पांडे भी कर सकते हो, अगर आप सारे कुछ को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। उसके बाद 40 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक, एंड लास्टली जो मैं बोलूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको फार्मूले याद है ना सारे चैप्टर्स के तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो फार्मूला याद करिए ही करिए कॉन्सेप्ट वाइज। तो दोस्तों यही था आपको जो जो करना है, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक से एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।